अगर आप बीकानेर से हो तो आपको इस मंदिर पे 100% नहीं 200% आना चाहिए। 700-800 साल पुराना मंदिर है ये। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अभी बीकाना। एंड थोड़ा सा चेहरा मेरा आपको सुस्त लग रहा है क्या? जैसे तो ये कैमरे वैमरे इतने कमाल के हैं, दिखाते ही नहीं है। यहाँ को छोड़ना है उसके घर पे, क्योंकि मैं शाम को एक कोई हमारी नॉन है, उनकी शादी में जाना है, उनकी नहीं उनकी बेटी की शादी में जाना है। तो स्नेहा जाएगी अपने घर पे, मैं जाऊँगा फील्ड पे काम करने के लिए, और बाबू भी जाएगी स्नेहा के साथ में। बाबू तैयार है, स्नेहा तैयार है, तो फिर देरी किस चीज़ की निकले? देखो आज अभी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अब चल रही है कचौरी समोसे की पार्टी यहाँ पे घर पे। पहले कुछ खाने का मन नहीं था, अब स्नेहा ने बोला कचौरी खाते हैं। तबीयत ठीक हो गई, खा लेंगे। कैसी है? अच्छी है, ठंडी है। पाँच जी हो गया, फिर 50 किलो है। 50 किलो किसी किसान बोलो भाई हम लाग दो जना, 50 किलो बहुत हो यार। तो मैं हूँ अभी अगेन बीकानेर का फेमस बेरू कुटिया में। भैरू कुटिया का नाम बीकानेर में जितने लोग हैं सब ने सुना है, और वैसा बहुत बहुत सुहावना लगता है। अंदर आके बैठो आप, अगर आप भैरू भक्त हैं तो आप आके पाठ कर सकते हैं यहाँ पे, हम ध्यान दे सकते हैं। और एक समस्या यहाँ पे ये भी है कि कुछ आपत्तिजनक लोग जो है यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, और स्वामित्व बना लिया उन्होंने अपना यहाँ पे, जो कि गलत चीज़ है। आप मंदिर आते हो तो आप भक्ति करो, ध्यान दो, शांति के लिए बैठ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उठपटांग बात करते हो, उठपटांग हरकतें करते हो यहाँ पे, वो चीज़ उचित तो वो जो चीज़ है वो उचित नहीं है बस। तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं और एक और मंदिर है वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं। तो मैं हूँ अभी बीकानेर में स्थित सनसोड़ा तालाब के एरिया में, और यहाँ पर मैं काली माता के मंदिर में आने वाला था, बट उससे पहले मैं यहाँ पर आया और हमें मिले हैं जसवीर जी। और जसवीर भाई से बताने कि मैंने पूछा ये सब, यहाँ मैंने बहुत सारी छतरियाँ देखी है बीकानेर में, आमतौर पर देखी जाती है कि आप सागर में जाओगे, आप बीका जी की टेकरी में जाओगे, आपको छतरियाँ मिलेगी। और छतरी देखने के समझ में आता है कि ये या तो समाधि है या इसी तरह की। बट यहाँ पर जब मैं आया तो मेरे मतलब एक बार के लिए तो रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने बताया कि ये छतरियाँ जो है करीब 700 साल पुरानी। हाँ, पूरी जो जानकारी है वो सतवीर जी देंगे हमें। 700 साल पुरानी ये छतरी, यहाँ बहुत पहले कुछ नहीं, यहाँ अब सब अच्छे कर दिए हैं, छतरी को कलर वगैरह कर रहे हैं, लाइट वगैरह ले लिए। अच्छा, कर दिए। अच्छा, कालिका माता मंदिर है वहाँ, 700-800 साल पुराना है। ठीक है, तालाब खुद है वहाँ। ठीक है, काफी टाइम से छतरी है। हाँ जी, हाँ जी, ये छतरी ऊपर ये सब सन लिखोड़ा है यहाँ पे। अच्छा, इसमें नीचे लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है छतरी पे इसमें। ठीक है, तो ये छतरी भी जो है, जो जितनी भी सती होती थी उस समय माए जो है, वही है ये सती यहीं पर हुई है। ये है मोता बनिया है ना, मोता बनिया। हाँ, मोता बनिया का ये शमशान है। अच्छा, ये मोता बनिया का शमशान है। हाँ, ये शमशान है। अच्छा, ये सारे शमशान है, शमशान है वो काली माता के मंदिर पीछे, वहाँ शमशान है, सती हुई है ना, काली माता के मंदिर है। अच्छा, ये उनकी छतरियाँ है, ये जितनी भी माए थी जो सती हुई है उन सब की छतरियाँ हैं। ये मंदिर बहुत पुराना है, 700-800 साल पुराना है मंदिर। ये ऊपर हनुमान जी का, बड़ा गजब है। पहले आदमी क्या है, ये बहुत ऊंचा था पहला। अच्छा, बहुत ऊंचा दिखता था। अब इसमें ऊंचा इसलिए दिखता था क्योंकि ये सब नीचे था। हाँ, नीचे था ये। कब का बना हुआ है ये देख लो, ये 2 फुट खड़ी है इसकी, इतनी खड़ी है इनकी, इतनी उस समय इतने लंबे लोग होते थे, 8-8 फुट के लोग होते हैं इस टाइम। क्या बात है, एकदम बड़े, बड़ी बड़ी अच्छी बात बताई सर ने। 2 फुट की इसकी चढ़ाई, आजकल की सीढ़ियां जो होती है वो 10 इंच की या हद मार के 12 इंच की होती है, उससे ऊपर नहीं होती। 10 इंच की होती, ये 24-25 इंच की मेरे को सीढ़ी लग रही है। और इनका मतलब ये कि उस समय इतने लंबे लंबे लोग, 8-8 फुट के लोग होते थे। साइकिलिंग कोच महेश जी, तो मेरे ससुर जी जो है वो भी साइकिलिंग में थे और नेपाल गए थे वो। अच्छा अच्छा, आप लोग सधार गए वो तो। हाँ, नारायण महाराज की बात कर रहा हूँ मैं, जो पारिक चौक में वर्कशॉप में काम करते थे रेलवे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यार भी रहा था मेरे साथ। बिल्कुल, वो आपके ससुर जी हैं? जी सर, पारिकों के चौक के हो। बिल्कुल, तो ये आपने देखी है छतरियाँ। और होता क्या है कि जब भी मैं माइक वर निकालता हूँ तो लोग इंटरव्यू देने लग जाते हैं अपना, अच्छा लगता है मेरे को बड़ा। जब भी कभी ऐसा प्यार मिलता है ना सबसे, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो भाई बंधु अंकल और सब आ गए थे, और
बताने लग गए थे इस जगह के बारे में कि ये मोहता जी की इनके हिसाब से अगर लेमेन में बात करें तो मोहता जी की ये जो है शमशान था, और यहाँ पर जो जितनी भी छत्रें हैं, जितनी समाधियाँ हैं, ये सभी सती माओं की हैं। उस मतलब आज उस युग में जो है वो प्रथा थी सती प्रथा, तो जितनी भी स्त्रियाँ थी वो सती होती थी अपने। ये है सनसड़ाव तालाब बीकानेर का, और मैं बता रहा हूँ अगर थोड़ा मेंटेन करे इसको, थोड़ा जोर देना गवर्नमेंट अगर इस चीज़ पे, तो कसम से कह रहा हूँ इतना गजब बन जाएगा नहीं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ना ऐसी सुंदर जगह, ऐसी अच्छी जगहों पे ना मतलब सरकार कुछ करती नहीं है। बीकानेर में मैं किसी को पॉइंट नहीं करूँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े मतलब बड़े बड़े नेता हमारे हैं यहाँ पे, अब थोड़ा इस जगह का भी थोड़ा देखें ना, वो ख्याल रखें, थोड़ा सा इसको मेंटेन करवाएं। ये पुरानी धरोहर है हमारे बीकानेर की यार। तो पहले आपको दिखा रहा हूँ मैं ये, मतलब क्या गजब की शांति, क्या मतलब बढ़िया वातावरण, क्या माहौल है यहाँ पे यार, बहुत गजब। और यहाँ पर साधु बाबा, नाग बाबा और बैठते थे पहले, ध्यान देते थे, अब है या नहीं है मेरे को आइडिया नहीं है। से एक दो बाबा की फ़ोटो लगी हुई है, एक है श्री श्री 1008 महंत मुक्तिगिरी जी महाराज, हाँ देख लो, यहाँ पर शायद पूजा वगैरह होती है अंदर में। कौवे बहुत सारे हैं यहाँ पे, कौवे बहुत सारे हैं, और कौवों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक ये बाबा घूम रहे हैं नीचे, क्या नाम बाबा, एकदम मस्ती में है, क्या करते हैं यार, देखो कहाँ कचरे में घूम रहे हैं। मोर पंख लगा लिए, दो तरह के बाबा हैं, एक ध्यान देने वाले और दूसरे नृत्य करने वाले। तो अब आ गया हूँ मैं उस मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे को अलग ही वाइब्स आ रही है अभी, बहुत बहुत गजब वाली, क्योंकि मैं उस मंदिर में हूँ जो काली माता का मंदिर, जो कि ये मंदिर देखो, इस मंदिर की बात करो, मेरे को माता जी की मूर्ति दिखाई दे रही है यहाँ से, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे को थोड़ा सा डर लगा, ऊपर में आवाज़ आई, और तारा देवी माता है, आपको दर्शन करा देता हूँ मैं, जय माता की। मंदिर बंद है नहीं तो, ये देखो मैंने बस इस पर हाथ मतलब रखा भी नहीं था, सिर्फ आया था उस पर ऐसा टच किया था इतना सा बस। तो अब चलते हैं फिर से बाइक की तरफ, माता जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, क्योंकि एकदम ही एकांत जगह है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। काफ़ी देर हो गई मेरे को यहाँ पे घूमते हुए, लगभग 1.5 घंटा हो गया आराम से। तो अब निकलता हूँ यहाँ से, और घर के पास में हमारे वो विक्रम सिंह जी, हमारे मित्र, उन्होंने इवेंट लगाया है, जाके उनसे मिलते हैं पहले ही। अभी बजे 5 और मैं बस घर की तरफ निकल रहा था, हमें मिल गए हमारे चचा विक्रम जी, और इन्होंने यहाँ पर ही जो है हमारे घर के पास मुक्ता प्रसाद में इवेंट लगा रखा है हिंडे का। टेस्ट ड्राइव ली थी, वेन्यू की भी ली मैंने और i20 की भी ली, तो सुनहरी कार्स है ये। तो अब सीन ये है, मतलब i20 जब चलाई ना मैंने, मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं मतलब गाड़ी नहीं, मैं मक्खन चला रहा हूँ कसम से। क्या सॉफ्ट हैंडलिंग उसकी, क्या स्टीयरिंग, और गजब टेक्नोलॉजी है यार। हुंडई की गाड़ियाँ प्रीमियम भी है, और अगर आपको हुंडई की गाड़ी लेनी है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही जनरली बता रहा हूँ आपको, जो तो भटकना नहीं पड़ेगा। विक्रम जी के मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पर अभी लिखा जाएंगे आपके, तो आप संपर्क कर सकते हैं विक्रम जी से अगर आपको हुंडई की गाड़ी लेनी है तो, और पूरी जानकारी मिलेगी। फाइनेंस वगैरह भी बता दो विक्रम जी, आपको फाइनेंस की भी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी सारी की सारी। तो घर पे स्नेहा है नहीं, पापा है नहीं, मम्मी अकेली थी, और मम्मी मेरे को फ़ोन करके बोल रही कि आ जा खाना खा ले, खाना खा ले, अभी उतरी, अब बज गए 5, मम्मी नीचे चाय बना के लिए अंदर जाके देख आ सकती है। अंदर कहाँ पे, रूम में, तो अंदर मम्मी को बोल रही रूम में जाके देख, ये देखो प्यारी प्यारी सी ड्रेस बनाई है, बनड़ा वाली जो ड्रेस होती है ना वो है, एकदम मस्त, एकदम सेम ऐसी सर जी की है, और प्यारी सी मम्मी ने बनाई है टोपी भाई की।
तो मतलब मम्मी ने आज भी रेस्ट नहीं किया और मम्मी को चैन नहीं है इन सब चीज़ों से। रेस्ट कर लिया करो मम्मी, मम्मी पिएगी चाय और हम जाएंगे थोड़ा सा कुछ खा लेंगे। बैठ गए खाने में, बड़ी की सब्जी, रोटी, दही और एक मिर्ची का पराठा बनाया मम्मी ने, वो खाएंगे। मम्मी को लेकर के ब्यूटी पार्लर मम्मी आए हैं यहाँ पे, ये पड़ा है बंद। अब मम्मी बात कर रही है उनसे, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। मेरे को भी लेट हो रही है, मेरे को शादी में जाना है। रेडी हो गए हैं शादी के लिए, मैं जूते पहन रहा हूँ और चश्मा साफ कर रहा हूँ और अब लेंगे हेनू को और स्नेहा को, फिर निकलेंगे शादी के लिए। बात करो तो इससे, बात तो संदीप का फोन आ रहा है। हां बात ओए 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 जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए 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 चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना। गाए हमसे नाराज रहना सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना सुन लेना। तुम्हें चाकर भी न चाहे करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब थोड़े आस पास आ रही बारात करना इंकार बार बार देना साथ। अब थोड़े आस पास आ रही बारात करना इंकार बार बार देना साथ। सुन ना पाए हमारी बात। ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना। गाए हमसे नाराज रहना सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना सुन लेना। तुम्हें चाकर भी न चाहे करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब थोड़े आस पास आ रही बारात करना इंकार बार बार देना साथ। तो शादी से आ गए हैं हेनू को छोड़ने के लिए, हेनू को छोड़ दिया है। हेनू अंदर जाके बंद करनी है उसको, ये बाहर से बंद करके अंदर जाएगा। अरे तो अभी बज गए हैं 12 रात के और काम मेरा अभी तक हुआ है आधा और मेरे को ये बैंक करनी है। तो समझ में नहीं आ रहा कि इसको फिनिश करूँ या फिर मैं सोऊँ, तो करना तो पड़ेगा इसको। नींद बैंक करा रही है और धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पापा मम्मी सो गए। ठीक है, इस वीडियो को कहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय। ओए ओए ओ जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे।